हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक बाजार में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम हर हफ्ते ऐसा वीडियो लाते हैं जिसमें अगले हफ्ते के लिए आपको कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स दिखाते हैं जिसमें कि आपके पैसे बन सके। तो आज के वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स देखेंगे जिसमें या तो ब्रेकआउट हो चुका है या तो होने वाला है। तो अगर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। तो पहला हमारा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स, जो कि टाटा मोटर्स हमने आपको पिछले वीक भी दिया था, हमने कहा था यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो वो ब्रेकआउट के बाद शेयर ऊपर की ओर निकला था एंड हमने उस वीडियो में बताया था कि अभी हमें एंट्री नहीं करनी है। हमें कब एंट्री करनी है? यहाँ से जब पुल बैक दिखाने के बाद कुछ कन्फर्मेशन मिलती है उसके बाद हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे शेयर वही करता हुआ नज़र आ रहा है, अभी शेयर कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी इस लेवल के आसपास कहीं भी हमें मौका मिलता है कंफर्मेशन के साथ, कुछ अच्छी कैंडल के साथ, तो वहाँ पे आप एंट्री इसमें बाई साइड के लिए बना सकते हो। एंड नीचे निकलता है तो आप इंट्राडे में सेल भी कर सकते हो। तो ये लेवल एक बार फिर से अगर आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा, ये लेवल है हमारा 600 से 605 रुपये का, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट का काम करने वाला है। तो टाटा मोटर्स को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला स्टॉक यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो वो स्टॉक है यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज। तो HCL टेक्नोलॉजीज में आप देखोगे ये एक लेवल हमारा बना हुआ है 1180 रुपये के, सॉरी 1160 रुपये का, जो कि हमने आपको पहले भी दिया था एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे किया है। यहाँ पे ब्रेकआउट, उसके बाद पुल बैक, उसके बाद ऊपर निकला है, तो यहाँ पे हमारा स्विंग ट्रेड काफ़ी अच्छा हो जाता। उसके बाद यहाँ पे शेयर ने गिरावट आई है एंड ये सपोर्ट जो बन चुका था वो ब्रेक हुआ, अभी उसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाते हुए शेयर ऊपर की ओर आया है। तो एक बार फिर से ये हमारे लिए 1160 का रेजिस्टेंस रहेगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे प्राइस रिजेक्शन भी दिखा है। तो अभी यहाँ से अगर शेयर ब्रेकआउट देता है तो एक बार फिर से यहाँ तक शेयर आ सकता है एंड ये लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। एंड शेयर यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो यहाँ पे हमें इंट्राडे में मौका सेल साइड मिलेगा। तो 1160 HCL टेक के लिए नोट कर लीजिए। अगला स्टॉक यहाँ पे है ICICI बैंक। तो ये लेवल ICICI बैंक के लिए काफ़ी क्रूशल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद ये लेवल आया है, 2022 दिसंबर में आया था, उसके बाद अभी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर लेवल देखें तो 960 रुपये का है। आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस रिजेक्शन, यहाँ से शेयर रुका, उसके बाद लगातार उसके आसपास चला एंड अभी भी उसके आसपास चल रहा है। ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ है, तो अभी ब्रेकआउट होने के बाद हमारी इसमें बाई साइड के लिए एंट्री बनने वाली है। तो अभी हमें वेट करना है बाई साइड ब्रेकआउट के लिए, उसके बाद आप चाहो तो पुल बैक का भी वेट कर सकोगे, वो भी आपको यहाँ पर मौका मिलेगा क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो 960 ICICI बैंक के लिए। अगला स्टॉक देख लेते हैं, वो है यहाँ पे डीमार्ट। डीमार्ट में ये लेवल हमारा बना हुआ है अभी 4225 का, वो अभी नहीं आया है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है तकरीबन 3750 रुपये के आसपास एंड यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जो कि यहाँ पे ट्रायंगल भी बना रही है, वो यहाँ पे काफ़ी कन्फर्मेशन दे रही है। एक तो ये सपोर्ट, फॉलिंग ट्रेंड लाइन एंड ये दोनों लाइन से ट्रायंगल। तो अभी यहाँ पे ये सपोर्ट लेता हुआ शेयर नज़र आया था, तो अभी इस लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद एंड यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद शेयर हमें यहाँ पे इस लेवल पे आता हुआ दिख सकता है। तो डीमार्ट के लिए आप इस ट्रायंगल को ज़रूर यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद मार्क कर सकते हो। तो इस ट्रायंगल को आप ज़रूर अपनी रडार पे रख सकते हो। अगला स्टॉक यहाँ पे देख लेते हैं बजाज फिनांस। तो उसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, शेयर इस दिन काफ़ी अच्छा चला था, उसके बाद कंसोलिडेट किया है, नीचे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी लिया है। तो अभी इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पे ऊपर के जाने के चांसेस मिल सकते हैं। तो ये लेवल आप नोट कर लीजिए 1634 रुपये का बजाज फिनसर्व के लिए, तो वो भी आपको काम आने वाला है। उसके बाद अगला स्टॉक यहाँ पे देख लेते हैं, तो वो है यहाँ पे BSE। BSE जिसमें अभी बाईबैक की न्यूज़ भी आई थी एंड बाईबैक की न्यूज़ के चलते यहाँ पे पिछले 3 दिन तो काफ़ी अच्छा चला है। न्यूज़ आया कि उससे पहले आई हुई थी लेकिन पिछले 3 दिन में काफ़ी अच्छा चला है। तो BSE के लिए यहाँ पे
एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि है तकरीबन 780 से 800 रुपए के बीच में। तो ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है शेयर के लिए, एंड आप देख सकते हो शेयर ने प्राइस रिजेक्शन वहीं से दिखाया है, लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन में भी वहीं पे चल रहा है। तो जैसे ही इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे लिए बाई साइड अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो बायबैक का प्राइस रखा गया है वो है 816 रुपये शायद रखा गया है, अगर हम गलत नहीं है तो। उसके लिए भी अगर आप खरीदना चाहो तो अभी भी आपको यहाँ पे 760 रुपये के आसपास चल रहा है, तो 40-56 रुपये का प्रॉफिट अभी एक शेयर पे हो रहा है। हालांकि केवल बायबैक के लिए, डिविडेंड के लिए, बोनस के लिए खरीदना सही नहीं रहेगा, एंड अगर आप बोनस के लिए खरीदते सॉरी बायबैक के लिए खरीदते भी हो तो भी आपके सभी शेयर चले जाने के कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। तो केवल और केवल अगर आप बायबैक के लिए खरीद रहे हो तो मत खरीदिएगा, क्योंकि उसमें कितने शेयर आपके अप्रूव होंगे वो कोई नहीं बता सकता। तो ये एक आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, हमने आपको केवल न्यूज़ बताई बायबैक से रिलेटेड, वैसे शेयर काफ़ी अच्छा है। तो हमने आपको यहाँ पे कुछ शेयर्स के लेवल बताए जो कि आपको अगले हफ्ते काम आ सकते हैं, एंड कुछ जो हमने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बताए वो तो यहाँ पे आपको जब भी आए तब काफ़ी अच्छा पैसा कमा के देने वाले हैं। तो आप इन सभी शेयर्स को एक बार अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, एंड अपने रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने फाइनेंशियल मैनेजर से बात करके आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको हम ये लेवल भी नोट कर लिए होंगे। तो अगर ऐसा है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको इंट्राडे के स्टॉक्स चाहिए तो उसका वीडियो भी आ चुका है, तो आप ज़रूर यहाँ पे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।